मनाया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक राजेश शर्मा को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, पूर्व सांसद समेत काफी संख्या में पूर्व सैनिक और आम लोग शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सैनिक राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 3 मई से 26 जुलाई तक हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों ने पराक्रम और बलिदान के चलते पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। जय हिंद, जय भारत। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, कारगिल की इस 24वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को धोखे से हमारे सामरिक पोस्ट टाइगर हिल, कौशो टोरोरिन, इन पहाड़ियों पर कब्जा कर दिया था, जिसको हमारे फौज ने अपनी बहादुरी से उन पोस्टों पर वापस कब्जा प्राप्त किया। और इसी के उपलक्ष्य में हम ये कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। हम चाहते हैं कि इस कारगिल दिवस को हर साल की तरह मनाते रहें और नव युवकों को प्रेरणा देते रहें देश के प्रति समर्पित और सेवा भाव करने के लिए। और उधर